तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है या ज़रूरी नहीं होता। तो इसी तो बेसिकली उसी के बारे में बात करेंगे और ये वीडियो आप लास्ट तक का जरूर देखते रहना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आई टी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी क्यों होता है अब वो भी मैं बता दूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी में वहाँ पे ज्वाइनिंग हुई और आप उस कंपनी में गए एज अ ज्वाइनर, यानी कि एज अ कैंडिडेट वहाँ पे जॉब करने के लिए गए। पता चले वहाँ पे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस का या एप्पल का या मैक का कोई लैपटॉप कंप्यूटर या ऐसी कुछ चीज़ें मिल गई, तो आप पता चले दूसरे दिन वो एप्पल मैक लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह लेके आप घर चले गए और दूसरे दिन से कंपनी में आई ही नहीं। एंड दोस्तों, वहाँ पे जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, लाइक जो उनके प्राइवेसी के अगेंस्ट होते हैं, तो सबसे बड़ा उनका जो मेन मुद्दा और मकसद होता है वो ये होता है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो कहीं आप लीक तो नहीं कर रहे हो। इवन कंपनीज में ये भी होता है कि आप कंपनी के अंदर रह के उस कंपनी का वहाँ पे किसी भी तरीके का फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते हो कंपनी में। कई कंपनीज में होता है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज में होता है कि आप कंपनी के अंदर रह के वहाँ पे फ़ोटो वगैरह नहीं ले सकते हो, चाहे लैपटॉप की, कंप्यूटर की, या सेल्फी वगैरह, या मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। इसे आप बोल सकते हो सेकेंड वे में कि आपका जो वर्क स्टेशन होगा वहाँ पे आप कोई फ़ोटो वगैरह या सेल्फी वगैरह नहीं ले सकते हो। बाकी ऑफिस के बाहर, यानी कि जो पार्क बना है या मतलब घूमने टहलने की जगह, वहाँ आप सेल्फी ले सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो, कुछ भी, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दोस्तों, जो तीसरा फैक्ट है, वहाँ आपने जो इंटर, हाई स्कूल या ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करा हुआ है वो प्रॉपर किया है कि नहीं किया है, ये सब चीज़ों का भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। एंड दोस्तों, इसके बाद जो फोर्थ नंबर का फैक्ट आता है कि पास अभी करेंटली कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं चल रहा है, या मतलब रिकॉर्ड होता है छोटा मोटा जो चीज़ें होती हैं वो सारी हैंडल हो जाती हैं, या आपने कोई बड़ा कांड तो नहीं कर रखा, यानी कि जो केसेस वगैरह होते हैं क्रिमिनल के वो आपने तो नहीं कर रखे हैं, उस वजह से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता। और जो करेंटली हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी 15 से ज्वाइनिंग है, तो जो 15 के बाद या करेंटली 15 तारीख में आपके पास कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं चल रहा, इस वजह से भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनीज में होते हैं। और ये हर एक कंपनी का प्रोसेस होता है, हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। ये गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल भी होते हैं, ना कि वो कंपनीज करवाती हैं, ये गवर्नमेंट के रूल्स भी होते हैं, और हम लोगों को वो कितना भी कुछ कर लो फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर आप कंपनी में जाओगे। हाँ दोस्तों, जो छोटी कंपनी जो होती हैं, आप चाहे 4 एम्प्लॉय हो या 4,000 हो, कंपनी तो कंपनी होती है, तो हो सकता है छोटी कंपनीज में बहुत कम होते हैं बेसिकली डॉक्यूमेंट्स के आपके कर लेंगे, लाइक हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन वगैरह की मार्कशीट, वो सारी चीज़ें कर लेंगे, और आपका जो एड्रेस वगैरह है उसका वेरीफिकेशन कर लेंगे, बाकी और किसी चीज़ का नहीं करते हैं। बाकी अगर आप एक मल्टीनेशनल कंपनी जाओगे तो A to Z, यानी कि उनके क्लाइंट्स ना घर तक भी पहुँच जाते हैं बैकग्राउंड वेरीफिकेशन करने के लिए। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे ही रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके बाद भी अगर आपको कोई कॉमेंट क्वेरी नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप मेरे साथ चैट करना चाहते हो, वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पे भी जाके मेरे से चैटिंग कर सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।